त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। देश और प्रदेश के हमारे सभी दर्शकों को त्रिनेत्र टीवी परिवार की ओर से गोगा नवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रतनगढ़ में गोगा नवमी के अवसर पर आज लोगों ने घर घर में लोक देवता गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना कर खीर व गुलगुले का भोग लगाया। वहीं सर्पों के देवता के रूप में विख्यात गोगा जी महाराज के प्रतीक स्वरूप मिट्टी की मूर्तियों की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मेड़ियों के भगत छड़ी लेकर धूल मेड़ी पहुंचे तथा नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। राजलदेसर कस्बे में भी इस बार राज्य सरकार की गाइडलाइन के चलते लोक देवता गोगा जी महाराज का मेला नहीं भरा गया। आज कस्बे की गोगा जी महाराज की मेड़ी पर गाइडलाइन की पालना करते हुए श्रद्धालुओं ने धोक लगाई। वहीं घर घर गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना करके उनको खीर चूर में जले बीवे नारियल का भोग लगाकर देश में खुशहाली की कामना की गई। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू में भी आज गोगा नवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने घरों में खीर गुलगुले पकौड़े और अन्य मीठे पकवान बनाकर भोग लगाया। वहीं गांव में बनी गोगा मेड़ी पर पहुंचकर गोगा जी को धोक लगाई और पूजा अर्चना कर सुख व समृद्धि की कामना की। सोमवार रात को गांव की मुख्य गोगा मेड़ी पर गोगा जी महाराज के रात्रि जागरण का आयोजन भी किया गया था, जिसमें गायकार राम निवास, परमेश्वर मेघवाल व ताराचंद धाड़क ने भजनों की प्रस्तुति दी। तारानगर तहसील गांव देवगढ़ निवासी बीएसएफ जवान संजय प्रजापत का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अंतिम यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने जय हिंद, भारत माता की जय जैसे नारे लगाकर अमर शहीद को याद किया। वहीं पार्थिव देखने पर गांव के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। सहवा थाना क्षेत्र के गांव देवगढ़ निवासी संजय प्रजापत का ब्रेन हेमरेज के कारण सोमवार को निधन हो गया था। प्रजापति गुजरात के बनासकांठा जिले के गांव दंतेवाड़ा में बीएसएफ के एसआई के पद पे तैनात थे। इस दौरान विधायक नरेंद्र बुडानिया, एसडीएम मोनिका जाखड़, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसवंत स्वामी आदि ने शहीद को याद करते हुए जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव देवगढ़ में शहीद संजय वर्मा का आज राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार हुआ। संजय वर्मा दंतेवाड़ा में बीएसएफ में एएसआई के पद पर कार्यरत थे, वो कल शहीद हो गए। आज हम सब तहसील के लोग वहाँ पे पहुँचे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे द्वारा फूलों का चक्र उनके सम्मान में चढ़ाया गया। लोगों में बड़ा भारी उत्साह था, भारत माता की जय जयकार के नारे लग रहे थे नौजवानों की तरफ से, और पूरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी वहां उपस्थित थे। जिले भर के साथ साथ आज रतनगढ़ क्षेत्र में दोपहर को तेज बारिश हुई। रक्षाबंधन पर बारिश होने के बाद 10 दिनों के अंतराल के बाद आज गोगा नवमी को बारिश हुई, जिसमें मुरझा रही फसलों को एक बार फिर से जीवनदान मिला है। लगभग 45 मिनट चले बारिश के दौर के बाद क्षेत्र में 26 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं बारिश के कारण उत्तरी बाजार स्टेशन, सड़क मार्ग, रेलवे अंडरब्रिज, सर्राफ कुएं के पास व वार्ड संख्या 38 व 39 के बीच स्थित स्वर्णकार मोहल्ले में सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
जिला मुख्यालय स्थित भारतीय अस्पताल के लिए आने वाली गली में बरसात व अस्पताल का पानी भरा रहता है, जिससे आए दिन मरीजों व आने जाने वालों को अस्पताल में आने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। गली के पास दोनों तरफ BSNL कॉलोनी व पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में रहने वालों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये पानी बरसात का और हॉस्पिटल का दोनों पानी आता है। इसमें पास में हॉस्पिटल है और ये पोस्ट ऑफिस कॉलोनी है, BSNL ऑफिस है, और आने जाने में परेशानी होती है। बीमार आदमियों को रास्ता घूम के जाना पड़ता है, मच्छर भी होते हैं, डेंगू का भी खतरा है। पानी बहुत भर रहे हैं, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है और मच्छर इतना हो रहा है, आदमी बहुत तकलीफ आ रहा है। बीमार आदमी है, निकली कौन सके यार, और प्रशासन तो कुछ देख रहे हो नहीं आने, थोड़ा ध्यान रखो और कराओ काम कराओ। टोक्यो पैरा ओलंपिक में चूरू के लाल देवेंद्र झाझड़िया द्वारा सिल्वर मेडल जीतने पर जिला मुख्यालय स्थित मदीना मस्जिद के पास सोमवार रात्रि को चूरू जिला अंजुमन अल शबाब कमेटी ने खुशी का इजहार किया। इस दौरान कमेटी सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराकर व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष जमील चौहान ने कहा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक बार फिर से स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने इतिहास रचा और हम सभी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस अवसर पर हाजी निजामुद्दीन खान, इकबाल रुकन खानी, तैयब अली आदि उपस्थित रहे। चूरू जिले के लाल देवेंद्र झाझड़िया जी भारत का तिरंगा टोक्यो में लहराने पर आज मदीना मस्जिद के पास चूरू जिला अंजुमन अल शबाब कमेटी ने खुशी जाहिर करते हुए तिरंगा लहराते हुए उनको हार्दिक बधाई दी है और सभी देशवासियों की ओर से देवेंद्र झाझड़िया को दिल से मुबारकबाद। उन्होंने भारत की आन बान और शान तिरंगे को लहराकर हमारा सर गौरव से ऊँचा किया है। हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं और ईश्वर से और मालिक से दुआ करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी इसी तरह तरक्की करते रहे, अपने जिले का और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए आज वृहद टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें एक ही दिन में 69 केंद्रों पर 13,700 लोगों के प्रथम व द्वितीय डोज के टीके लगाए गए। BCMO डॉक्टर हेमंत माटोलिया ने बताया कि आज लगे शिविरों में अब तक का सर्वाधिक टीकाकरण हुआ है। इसी क्रम में घनश्याम चंद्र हरिद्वाल की स्मृति में लायंस क्लब प्रेरणा के तत्वावधान में वार्ड संख्या 4 व 5 के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन आज कांजी गेस्ट हाउस में हुआ। इस दौरान कोविशील्ड की प्रथम डोज के 250 एवं सेकेंड डोज के 50 टीके लगाए गए। वहीं राजल देसर में भी आज मदरसा इस्लामिया द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन मौलाना खलील अहमद ने फीता काटकर किया। इस दौरान 500 महिला पुरुषों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस अवसर पर पार्षद जब्बार खोखर, पार्षद नबी बख्श, वरिष्ठ नेता इदरीस खत्री सहित मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस्लामिया मदरसा जुम्मा मस्जिद के पास कोविशील्ड का आयोजन रखा गया है। इसके समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ आके इस आयोजन का लाभ उठाया और सभी ने उत्साहवर्धक तरीके से ये राष्ट्रीय मिशन को कामयाब बनाने में अपना सहयोग दिया। इसमें यहाँ के मोदी के लोग द्वारा और हर वार्ड के पार्षदों द्वारा और हमारे मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उन्होंने सब ने उत्साहवर्धक कार्य किया। रतनगढ़ विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर आज सरदारशाह रोड स्थित अंजनी माता मंदिर में विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य अतिथि में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधे अहम भूमिका निभाते हैं, मिट्टी का कटाव रोकने में पेड़ सहायक होते हैं तथा बारिश को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महावीर महर्षि, शंकरलाल जांगिर, राजकुमार सोनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है। मुझे बहुत खुशी है कि अंजनी माता मंदिर प्रांगण में आज हम सब लोगों ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है और वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। सब लोगों को अपील करता हूँ कि सब लोग मिलकर के आज के दिन को अति महत्वपूर्ण बनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी भी आज है, विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भी है। हम इस भव्य प्रांगण में सब लोगों ने वृक्ष लगाए हैं और अपील करते हैं कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम इसी तरह से जारी रख के पर्यावरण सुधार की तरफ कार्य करें।
चूरू में दूधवा खारा पुलिस के थाना अधिकारी रामविलास बिश्नोई ने सोमवार देर शाम अपनी टीम के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 लाख की लागत के डोडा पोस्त को बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सदर थानाधिकारी हंसराज ने बताया कि थानाधिकारी बिश्नोई की टीम ने बूटिया व डाबला रोड पर स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकवाया तो चालक व उसका एक साथी डोडा पोस्त छोड़कर मौके से भाग गए, जिसकी सूचना दूधवाखारा थानाधिकारी रामविलास बिश्नोई ने सदर थानाधिकारी हंसराज को दी, जिस पर सदर थानाधिकारी ने पीछा करते हुए वाहन चालक को पीथीसर गांव की रोही में पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की जांच शुरू कर दी है। ये कल शाम की बात है, रामविलास जी एसएचओ दूधवाखारा, उनकी मई टीम ने बूटिया गांव और डाबला रोड के पास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें डोडा पोस्ट भरा हुआ था, उसको पकड़ा। उसमें दो व्यक्ति थे, वो दोनों भागे। उसकी गाड़ी के आगे स्कोटिंग गाड़ी कर रही थी जो फॉर्चुनर थी। इन्होंने फ़ोन पे बताया, मैसेज करवाया कि फॉर्चुनर गाड़ी है, वो स्कोटिंग कर रही थी इस गाड़ी की, वो बालेरी की तरफ भाग गई। इस पे पूरी टीम, पूरी चूरू की टीम नाकाबंदी की और तलाश की गई, जिसमें मैं एसएचओ हंसराज लूणा, मैं मेरी टीम इसका पीछा किया। पीथीसर रोई में जाके और मध्य रात्रि में उसको डिटेन कर लिया, गाड़ी सहित फॉर्चुनर गाड़ी में ड्राइवर उसको ले आके अनुसंधान अधिकारी सुरेंद्र जी राणा है इनके सुपुर्द कर। सर घर में कितना डोडा पोस्ट? गाड़ी के अंदर 3 क्विंटल 36 किलो डोडा पोस्ट है जो बिना नंबर ही है स्कॉर्पियो गाड़ी। जिला मुख्यालय स्थित 2 राज बटालियन एनसीसी कार्यालय के कमान अधिकारी कर्नल गणेश भट्ट के 2 वर्ष की सेवा उपरांत कार्यमुक्त होने पर आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रमेश कुमार ने कहा कि कर्नल भट्ट ने अपने कार्यकाल में कैडेट के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया, उनसे 2 वर्ष में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। कार्यक्रम में कर्नल भट्ट का बटालियन की तरफ से प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सूबेदार मेजर संत बहादुर लिंबू, लेफ्टिनेंट हेमंत मंगल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी शांतिलाल रक्षक आदि उपस्थित रहे। राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए हैंडबॉल खेल के अनेक राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले रतनगढ़ के ग्राम लोहा के मैदान पर नवोदित खिलाड़ी नियमित अभ्यास में उत्साहपूर्वक पसीना बहा रहे हैं। ग्राम लोहा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में खेलो इंडिया सेंटर पर हैंडबॉल की तैयारियां कोच सुमन पुनिया के निर्देशन में जोरों से चल रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कोच पुनिया के निर्देशन में खेल मैदान पर खिलाड़ियों द्वारा केक काटकर व एक दूसरे को खिलाकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर हैंडबॉल प्रदेश उपाध्यक्ष शशि कुमार गोड़, प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र न्योल, व्याख्याता पेमाराम कसा सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। गोवा के मापुसा पेडम स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित वाको इंडिया नेशनल किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 मैन एंड वुमन में चूरू जिले से 6 खिलाड़ियों ने राजस्थान टीम की ओर से भाग लिया था, जिसमें अर्जुन राठौड़, मनीष वर्मा, दिव्य शर्मा व कोमल सोनी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य और जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इस अवसर पर जिले के अध्यक्ष राहुल जोशी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। जिला मुख्यालय पर आज बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान चूरू द्वारा संचालित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की गई। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 दिवसीय है जो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़कर लघु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। ये जो राजीविका मिशन की जो ट्रेनिंग दी जा रही है बड़ौदा ग्रामीण बैंक के मार्फत, ये बहुत ही सुंदर और बढ़िया एक विजन है जो ग्रामीण महिलाओं को उत्थान के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, स्वावलंबन बढ़ने के लिए एक अच्छी स्कीम है। और इसका महीने में 2 महीने में अगर ट्रेनिंग सेंटर लगता रहे
तो लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, वो अपना स्वरोजगार इससे प्राप्त करें तो बेहतरीन रहेगा। चूरू की बूटिया रोड स्थित बद्री केदार धानुका आदर्श विद्या मंदिर में आज जिला घुमंतू समाज का विमुक्ति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में झुंझुनू विभाग घुमंतू कार्य प्रमुख मदन लाल प्रजापत ने झुंझुनू व चूरू जिले में रहने व घूमने वाले घुमंतू समाज के नवीन कार्यों में विकास करने वाले प्रभावी व्यक्तियों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला घुमंतू कार्य प्रमुख प्रभु दयाल सैनी, आचार्य बाबूलाल प्रजापत, घुमंतू कार्य प्रमुख विक्रम नाथावत आदि उपस्थित रहे। 31 अगस्त को समस्त भारत में घुमंतू जातियों का विमुक्ति दिवस मनाते हैं। भारत की आज़ादी के उपरांत घुमंतू जातियों का जो अंग्रेजों द्वारा एक्ट बना हुआ था, उस एक्ट को समाप्त करके 31 अगस्त 1952 से इनको उस एक्ट से विमुक्त किया गया। तब से इन घुमंतू जातियों का उत्थान करने के निमित्त 31 अगस्त को हर वर्ष विमुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। चूरू के जिला कारागृह में बंदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 3 दिनों के भीतर 60 बंदियों को बीकानेर कारागृह में शिफ्ट किया गया है। कारागृह के उप अधीक्षक कैलाश सिंह ने बताया कि जेल की क्षमता 165 बंदियों की है, लेकिन यहां क्षमता से अधिक बंदियों को रखे जाने से व्यवस्था बनाने में काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए जेल प्रशासन के उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर बंदियों को बीकानेर जेल में स्थानांतरित किया गया है। इस कारागृह में 163 बंदियों की कैपेसिटी के विरुद्ध 300 से ऊपर बंदियों की संख्या होने से DI साहब जोधपुर को लिखने पर उनके आदेश से 85 बंदियों को ट्रांसफर बीकानेर करने के मिले। उनमें 60 बंदियों के आज तक किए गए, 25 बंदी और ट्रांसफर किए जाएंगे। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा प्री DLED परीक्षा का आयोजन आज रतनगढ़ शहर के 7 केंद्रों पर हुआ। परीक्षा में 7 केंद्रों पर 1140 परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता थी, जिस पर विभाग के द्वारा 1118 परीक्षार्थी की परीक्षा आज हुई। ACBEO आनंद कुमार पारिक ने बताया कि राजकीय जालान स्कूल में 225 में से 208, भुवालका बालिका स्कूल में 225 में से 204, राजकीय बाजोरिया स्कूल में 180 में से 162 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। प्री DLED परीक्षा रतनगढ़ के 7 केंद्रों पर हो रही है, जिनमें 5 रतनगढ़ शहर के हैं और 2 सेला और बोरीसर ग्रामीण सेंटर है। इनमें 1118 परीक्षार्थी इनरोल्ड थे, जिनमें से 1023 उपस्थित हुए हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चल रही है। चूरू के मोचीवाड़ा स्थित धुआंधोर बाबा मंदिर में सोमवार रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर बर्फ की सिल्लियों से शेष नाग व भगवान श्री कृष्ण की झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रवण बजाज व योगेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्था अध्यक्ष रतनलाल बजाज ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व पर पिछले 15 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान शिव भक्त मंडल की ओर से उल्लेखनीय कार्य करने पर समाज सेवी श्रवण बजाज, योगेश शर्मा, महेंद्र सुंदरिया, आजाद कला संस्था के संरक्षक सुशील शर्मा आदि को प्रतीक चिन्ह व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। मंदिर में भगवान शिव की कृपा से आज बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई गई है। साथ में हमारे साथी कलाकारों द्वारा और संस्था के सदस्यों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से हर तरह सभी तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि भक्तों को कुछ न कुछ नया दिखाया जाए। वहीं चूरू के मोचीवाड़ा स्थित महावीर दल चौक में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन कीर्तन और भगवान श्री कृष्ण की झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर सिद्धू, राजेश, यश आदि ने पूजा अर्चना की। रतनगढ़ में भी सोमवार की रात शहर के मंदिरों व घरों में जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर के लक्ष्मीनाथ मंदिर, गनेड़ीवाल मंदिर, ताल वाले खाटू श्याम मंदिर, सर्राफ शिवालय सहित कई मंदिरों एवं घरों में भजन कीर्तन के कार्यक्रम हुए। गायक कलाकार अरविंद इंदौरिया की गणेश वंदना से भजन संध्या का शुभारंभ हुआ। वहीं गायक कलाकार किरण शर्मा, संतलाल महर्षि, रामकृष्ण शर्मा, उदित नारायण पारिक ने भी अपने अपने भजनों की प्रस्तुति दी।
घांगो में भी सोमवार रात्रि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांव के हनुमान मंदिर में छोटे बच्चों को कृष्ण छवि में तैयार कर झांकियां सजाई गई व दही हांडी उत्सव मनाया गया। वहीं हनुमान मंदिर के पुजारी हनुमान प्रसाद शर्मा ने केक काटकर भोग लगाया और भक्तों में प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर सुनील प्रजापत, अमित प्रजापत, संजय कपूरिया सहित ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं गांव के ठाकुर जी मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर ठाकुर जी मंदिर में रात्रि जागरण लगाया गया और ठाकुर जी की पूजा अर्चना की गई। चूरू के श्री राम मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न झांकियों को सजाकर भगवान को रिझाया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा रहा। वहीं गायकारों ने भगवान श्री कृष्ण के भजनों से वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम में चित्रकूट के संत राम बिहारी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव कथा का प्रवचन दिया। इस अवसर पर प्रमोद मंडावेवाला, राजेश मंडावेवाला, सुरेश बजाज आदि ने सहयोग प्रदान किया। श्री राम मंदिर में आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। कोरोना काल के पश्चात इस जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला, परंतु सरकारी गाइडलाइन की पालना के लिए सभी संयमित कार्य करते हुए बड़ी सादगी से ये कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इसमें मंदिर में भव्य सजावट की गई। सुबह से ही दर्शकों का तांता लगा हुआ था। आज विशेष आकर्षण ये था, जो भी बाल रूप में यहाँ पे पधारे थे कृष्ण जन्म के अवसर पर, जो भी बाल सखा, बाल राधिका, बाल कृष्ण पधारे थे, सबको प्रसाद देकर उनकी फोटो प्रसारित की जाएगी श्री राम मंदिर के पेज पर। अभी रात्रि 12 बजे चित्रकूट से आए हुए संत श्री राम बिहारी जी द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव कथा कही गई, उसके पश्चात कृष्ण जन्मोत्सव की पूजा एवं थाल वादन के बाद 12 बजे भगवान की जन्मोत्सव आरती की गई, जिसमें सभी भक्तों ने आने वाली महामारी से बचाव के लिए भगवान से प्रार्थना की। सभी सुखी संपन्न रहें, इसी आशा के साथ आरती संपन्न हुई, प्रसाद वितरित किया गया। वहीं जिला मुख्यालय स्थित सैन मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देर शाम एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम चूरू सैन समाज के अध्यक्ष कपिल भाटी ने मीटिंग की शुरुआत करते हुए बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा सैन समाज के हेयर ड्रेसर का कार्य करने वाले कार्मिकों को 50,000 का ब्याज मुक्त लोन इस योजना के माध्यम से देने की घोषणा की है, तो समाज के समस्त केस कलाकार इसका लाभ उठाएं। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर विकास जाड़ीवाल, जगदीश जाड़ीवाल, दिनेश गहलोत सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में समाधि स्थल के पास सोमवार की रात 65 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर DYSP साले मोहम्मद व CI मनोज मूंड मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुसाई उच्च जलाशय के पास वार्ड संख्या 42 में रहने वाले 65 वर्षीय सेठाराम बंजारा ने समाधि स्थल के पास स्थित एक सूखे पेड़ से अपनी पहनी हुई धोती का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के भाई भारमल पुत्र रामलाल बंजारा की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया।